रेणु विद्या मंदिर बागड़ में जो आप सब लोग आए हैं, मैं यहाँ राय विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं आप सभी जो पूरे देश से यहाँ सभी पहुंचे हैं, मैं आप सबका पहले धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आज रेणु विद्या मंदिर के चेयरमैन नानक चंद गुप्ता जी, डायरेक्टर धावनी गुप्ता जी, उत्कर्ष गुप्ता जी व अन्य सभी जो पूरे देश से यहाँ पर पहुंचे, दो दिन का सेमिनार जो जिस प्रकार के आयोजन के लिए आप इकट्ठे हुए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जो मानवता के लिए सच्चे मायने में सेवा का कार्य है, उसके साथ साथ बहुत सारे अज्ञानता के कारण से जो हमारे बच्चे बच्चियां इस बीमारी से जूझते हैं और वो पूरा जीवन जूझते हैं, उसके लिए अगर कोई सेवा का कार्य किया जाए तो मैं मानता हूँ हमारे यहाँ सोनीपत जिला में ये रेणु विद्या मंदिर, ये अंगूरी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जब इसकी शुरुआत हुई उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल था, वो देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय इसकी संस्था यहाँ शुरू हुई थी और उस समय मेरे पास पार्टी की मंडल की जिम्मेवारी होती थी, मंडल अध्यक्ष की। मुझे याद है ये संस्था जब से यहाँ आई है बहुत अच्छे से इस संस्था ने कार्य किया है और मैं बधाई इस बात की देता हूँ कि दो दिन तक जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस इस विषय को लेकर हुई है कि जो भारत सरकार ने एक अधिकार दिया है, देश में बहुत सारे कानून बनते हैं फिर भी वो पूरी तरह से लागू नहीं होते और आज पूरे देश में ये एक कानून लागू हुआ, उसके बाद आपने आज सबने अपने विचार मेरे को लगता है साझे किए होंगे, ये बहुत अच्छा कार्य है, नेक कार्य है इस भूमि पर हुआ है और ये सोनीपत की वो पवित्र भूमि है जहाँ लगभग 1500 वर्ष पहले यहाँ यमुना नदी का प्रवाह यहाँ जल का बहता था, बहुत ही पवित्र ये भूमि है, बहुत शांत एरिया है ये हमारा, बहुत ही साधन संपन्न एरिया है, आप सबने यहाँ देखा भी होगा, यहाँ एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है, यहाँ इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब है और दिल्ली के नजदीक होते हुए यहाँ ये ऐसा एरिया है जहाँ से 8 नेशनल हाईवे इस मेरी विधानसभा से गुजरते हैं, तो बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। आप सब आए हैं, आप सबने अपने विचार यहाँ साझा भी किए हैं, जानकारी भी ली है और मेरे को जैसे ही पता चला रेणु विद्या मंदिर में जिस प्रकार से यहाँ शिक्षा देने का काम करते हैं,